नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि क्या पति की संपत्ति में पत्नी को कोई अधिकार मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति की जब संपत्ति का निर्धारण होता है तो उसके पर्सनल कानून लागू होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम पर लागू होता है, इसी तरह हिंदू पर्सनल लॉ हिंदुओं पर लागू होता है। इसलिए जब पति पत्नी की संपत्ति का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हिंदू पर्सनल कानून के अनुसार ही गवर्न होते हैं। अब मान लो अगर पति और पत्नी हिंदू हैं और हमें ये देखना है कि पति की संपत्ति पर पत्नी को क्या अधिकार मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 देखना पड़ेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार पति की संपत्ति में पति के जीवित रहते हुए पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलता। आप मेरी बात से चौंक जाएंगे, परंतु यह सत्य है, ये बिल्कुल 100% सच है कि पति की संपत्ति में पत्नी को कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि पति जिंदा रहता है। अब आप पूछेंगे कैसे? बिल्कुल, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार एक लड़की को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, और एक लड़की जब पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करती है तो वो अपने भाई के बराबर अधिकार प्राप्त करती है। यानी लड़के और लड़की का हिस्सा उसके पिता की संपत्ति में बराबर बराबर होता है। लेकिन ससुराल की संपत्ति की बात करें तो वह ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखती। इसी तरह पति के जिंदा रहते हुए भी वह पति की संपत्ति में कोई अधिकार हासिल नहीं करती है। लेकिन अगर पति की डेथ हो जाए तो वह पति के विधवा के रूप में पति की संपत्ति पर नियमानुसार हिस्सा प्राप्त करेगी, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार गवर्न होगा। पति की विधवा के रूप में वह ससुराल की संपत्ति में भी हिस्सा प्राप्त करेगी, जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न होगा। अब सवाल ये उठता है, फिर अगर पति और पत्नी में डिस्प्यूट हो जाए तो पत्नी को क्या अधिकार मिलेंगे? इसके लिए उसे केवल भरण पोषण का अधिकार मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि पति की संपत्ति में पत्नी को कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, यानी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। और इसके लिए विभिन्न कानूनों में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी मेंटेनेंस मांग सकती है। इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भी उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। और डीवी एक्ट, जो घरेलू हिंसा का अधिनियम बनाया गया है, उसके अनुसार भी वह मेंटेनेंस मांग सकती है। ये मेंटेनेंस उसको एक मुश्त भी मिल सकता है, यानी एक साथ मिल सकता है, एलिमनी उसकी न्यायालय तय कर देता है, या एक मुश्त अगर वो नहीं लेना चाहे या न्यायालय नहीं तय करे तो वह महीने की महीने भी ये भरण पोषण, ये मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। अब कितना मेंटेनेंस उसको मिलेगा ये पति की हैसियत पर डिपेंड है, और ये न्यायालय के विवेकाधीन है, न्यायालय का डिस्क्रिशन है कि वह पति की हैसियत को देखते हुए उसको कितना मेंटेनेंस दिलाए। लेकिन पति के जिंदा रहते हुए उसे पति की संपत्ति में कोई हक कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। तो आज हमने जाना पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार। इसको आगे की वीडियो में और विस्तृत रूप से हम जानेंगे। आप जुड़े रहिए। थैंक यू।